गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा मंदिर दिखाने वाला हूँ जो साल के 6 महीने पानी के अंदर रहता है और 6 से 8 महीने पानी के बाहर रहता है। ये मंदिर हिमाचल में ही नहीं पूरे भारत में फेमस है और मंदिर का नाम है बाथू की लड़ी, जिसको पांडवों द्वारा बनाया गया था। और अभी हम चल रहे हैं इतने बड़े ग्राउंड में कि आप अगर सेंटर पर खड़े हो जाओगे तो चारों साइड इस ग्राउंड की जो लंबाई है वो है 5-5 किलोमीटर तक। बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स को क्रॉस करके ये मंदिर फिर आता है बहुत बड़ी झील के बीच में, जिस झील का नाम है पोंग डैम। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं बाथू की लड़ी। पहुंच गए हम बाथू की लड़ी। अभी तो पानी में नहीं है, ये बाहर है, पर अच्छा है क्योंकि हम गाड़ी लेके यहाँ पे आ सकते हैं आराम से, नहीं तो बोट पे आना पड़ता है। और ये मेरे सामने देखो आप, जी बाथू की लड़ी और सबसे ज़्यादा फेमस जो मंदिर है वो हिमाचल में यही है, क्योंकि ये कुछ मंथ पानी में रहता है बाकी टाइम बाहर। और पांडवों के टाइम का ये मंदिर है। गाड़ी डालते हैं अपनी साइड में और दिखाते हैं फिर आपको आगे जाके ये मंदिर। तो गाइज पहुँच गया मैं अभी बाथू की लड़ी और व्यू देखो आप यहाँ का कितना खूबसूरत है। ये देखो जी, यहाँ पे ये जो बाथू की लड़ी वाले टेंपल है लाइन में, ये सभी पानी में डूब जाते हैं फुल सीजन जब बरसात होता है यहाँ पे। और आजकल ये बाहर है तो गाड़ियाँ यहाँ तक आ रही हैं, अदरवाइज़ इस ग्राउंड में सारे में जो वो पानी होता है भरा हुआ ऊपर तक 10-10 फीट ऊपर तक, तो तब यहाँ पर आती है बोट्स और बोट आपको लाती है और मंदिर तक लेके जाती है आगे। तो ये देखो जी मेरे पीछे व्यू, बाथू की लड़ी कांगड़ा ज्वाली, ज्वाली से यह है सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर। आपको आना पहले कांगड़ा से ज्वाली, ज्वाली चौक से लेफ्ट साइड बाथू की लड़ी। देखो जी मेरे पीछे ज़्यादा पड़ रही है इधर, तो आइसक्रीम खा लेते हैं ठंडी ठंडी, फिर दिखाते हैं आपको मंदिर ये सामने। बिल्कुल भाई ये पानी से कल डूबता, मतलब बरसात पहुँच गई। कितने दिन था डूबदा? चले आना। अच्छा फिर बोट आँदी अंदर, बोट दसने ताएं? ना ना नहीं आँदी, बोट बोट नहीं आँदी, चलदी दूर तक चली ना पानी, फिर ये डूबी जांदी फिर। अच्छा ओ इन्हें डूबी जांदे? हां एड़ा देना पानी ओ ऊपर जेड़ा ये पूरा डूबी जांदा खंबा। अच्छा बढ़िया हट जांदी ऊपरली साइड दिखो ना, रास्ते च कटे गदी है लोहे सिमटे आई। हां इन्हें देना इत्तों दा पानी। ओ तेरे पूरा डूब जाता है, मतलब ये पूरा ऊपर तक। पांडवों ने इस मंदिर से स्वर्ग जाने की सीढ़ियां भी बनाई थी। इन सीढ़ियों का निर्माण उन्हें एक रात में करना था। फिर पांडवों ने स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। श्री कृष्ण जी ने 6 महीने की एक रात कर दी, उसके बावजूद स्वर्ग की सीढ़ियाँ तैयार नहीं हो सकी। पांडवों का कार्य सिर्फ 2.5 सीढ़ियों से अधूरा रह गया था और सुबह हो गई। आज भी स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। आज भी इस मंदिर में स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियाँ 40 सीढ़ियाँ जो है वो मौजूद हैं। तो ये देखो भाई एक लाइन में ये है वो, ये कितने सुंदर लग रहे हैं ये पांडवों के द्वारा बनाए हुए मंदिर बाथू की लड़ी। देखो भाई ये देखो जी ये मंदिर उस टाइम के, ये देखो जय माता दी। अब यहाँ पे मेंटेनेंस क्यों नहीं करते हैं और क्यों इनको नहीं सजाते, क्योंकि यहाँ पे हद से ज़्यादा पानी आता है और पानी की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो अब पानी अंदर जाएगा दरवाज़ों में, दरवाजे खोले हैं, दरवाजे हो भी तो टूट जाएंगे वो लकड़ी के, तो जो चीज़ें हैं वो तो पानी में बह जाएंगी, तहस नहस हो जाएंगी सारी। तो यह है मंदिर, और शिव भोले जी की पिंडी अंदर। रे
ये देखो जी कितने लोग आए हैं। जो मंदिर के दूसरी साइड वाली जगह है वो और भी खूबसूरत है देखने में। ये देखो जी ये देखो कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। पानी बिल्कुल फ्रेश, पहाड़ों से नीला ब्लू वाटर और ऐसा कुछ नज़ारा। और बाथू की लड़ी जो टेंपल्स है वो है ये लड़ी सामने वाली। ये देखो जी ये अब पांडवों के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में, इसका मतलब अब यहाँ के शायद लोकल्स को भी नहीं पता होगा इतना कि ये जो लड़ी है एक लाइन में मंदिर ये क्यों बने थे। ये देखो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब चलते हैं थोड़ा साइड में और आपको दिखाता हूँ पानी का व्यू। ये देखो कितना खूबसूरत व्यू है भाई। पानी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र के किनारे आ गए हैं। ये देखो आगे चलते हैं और थोड़ा। पानी से बह के जो फालतू पानी में कचरा आ जाता है, पेड़ पूड़ प्लास्टिक ये वो सारा पानी ने देखो साइड में कर दिया भाई। ये देखो और ये पानी कुछ ऐसा। आगे बहुत गहरी झील है ये भाई, पानी ठंडा नहीं है, नॉर्मल ही है। अब चलते हैं इसके साइड साइड में और परली साइड दिखाता हूँ आपको व्यू काफ़ी सुंदर। बहुत बड़ा स्पेस है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। हिमाचल में इतनी बड़ी जगह पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, इतना बड़ा स्पेस नहीं देखा मैंने कहीं। ग्राउंड पीछे ग्राउंड ही 10-10 किलोमीटर के ग्राउंड थे और उसके बाद ये पोंग डैम और काफ़ी ज़्यादा पानी। वहाँ सामने हमारी थी गाड़ियाँ खड़ी, वो सामने गाड़ी खड़ी हमारी। और ये ग्राउंड जो मंदिरों के पीछे है काफ़ी बड़ा। ये मेरे पीछे का नज़ारा बाथू की लड़ी का, खूबसूरत नज़ारा भाई देख लो पोंग डैम। अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, तो अंदर कुछ नहीं है इसके, खाली है बस, ऐसे पिंडी टाइप पत्थर रखे हुए हैं। जो बाथू की लड़ी वाले मंदिर है ये सारे एक लाइन में है। तो अब आगे वाला देखते हैं कैसा है। ये देखो जी ये अंदर से बिल्कुल खाली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं रखने का, पानी में सब कुछ बह जाता है, मछलियाँ होती हैं यहाँ पे अंदर। ये देखो आजकल तो चलो ड्राई है तो प्रसाद चढ़ाया हुआ है, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं होता। देखो भाई नज़ारे झील के। तो ये था ब्लॉग मेरा छोटा सा बाथू की लड़ी प्लेस जो पानी में डूब जाता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तब तक निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच।